नमस्कार दोस्तों, जीएच जोन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जीएच जोन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साइड में बेल आइकन का बटन होगा उसके ऊपर क्लिक कर देना, तो आपको जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अभी तक हमने आर्ट कैम के जो ट्यूटोरियल है वो बना दिए है, 30 ट्यूटोरियल बन गए हैं। उसके बाद में हमने फिर से रिविजन भी स्टार्ट कर दिया है, कुछ एस्पायर के भी कुछ ट्यूटोरियल हम लोग बना रहे हैं। तो आज वीडियो बनाने का टॉपिक है CNC के टूल के बारे में कि CNC में कितने तरह के टूल लगते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे स्क्रीन पे जितने भी टूल दिख रहे हैं ये बेसिक CNC के लिए टूल इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज मैं ये टूल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, कौन से मटेरियल के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बहुत सारे टूल है जो एंड मिल होते हैं, बॉलनस होते हैं, टेपर बॉलनस होते हैं, उसके बाद में सिंगल फ्लूट टूल होते हैं, स्पायरल टूल होते हैं, उसके बाद में कस्टमाइज टूल होते हैं, कस्टमाइज प्रोफाइल टूल होते हैं, वी बीट होते हैं अलग अलग। तो उनके बारे में मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ कि वो टूल किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं और कौन सी जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और हमारे आर्ट कैम को ओपन करता हूँ। आर्ट कैम को जब भी हम ओपन करते हैं और यहाँ पर जब भी अपना टूल डाटाबेस है, टूल डाटाबेस में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत तरह के टूल है। यहाँ पर रफिंग 2D फिनिशिंग टूल है, एंड मिल बोला जाता है, यहाँ पे बॉलनस है, उसके बाद में वी बीट है, उसके बाद में जो ऑर्गी एंड राउंड वो टूल होते हैं वो टूल है इस तरह के उनका। ये अगर हम लोग प्रीव्यू देखें कि इस तरह से जो राइज टूल है, ठीक है, राइज नहीं है, राइज टूल है। उसके बाद में ये देखो बेवल टूल है, बहुत सारे टूल है। यह बाद में यहाँ पर दिया है विनिंग टूल दिया हुआ है, मीनिंग टूल जो हो है वो कस्टमाइज टूलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये सब जो टूल है तो आर्ट कैम में बहुत सारे टूल दिए हैं, तो ये टूल का एक्चुअल में काम कहाँ है और कौन से मटेरियल में कौन सा टूल इस्तेमाल करना है ये हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टूल दिखा देता हूँ कौन से टूल है। ये सब टूल हैं तो इनकी इन्फॉर्मेशन आज हमको मैं स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। ये जो टूल है आज मैं टूल के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो भी CNC की टूल है कि उसकी मैंने स्लाइड बना के रखी है कि वो टूल क्या काम के लिए। सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ, ये है हमारा एंड मिल। तो एंड मिल हमारे क्या काम में आता है, एंड मिल हम नॉर्मली बोर्ड कटिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो भी 2D डिज़ाइन होते हैं उसको कटिंग करने के लिए हम लोग एंड मिल इस्तेमाल करते हैं। जो पहले वाला जो एंड मिल दिख रहा है ये है स्पायरल एंड मिल 2 फ्लूट वाला, ठीक है। इसके अंदर हमें 4 फ्लूट का भी मिल जाता है, सेम साइज़ होती है, सेम डिज़ाइन होती है, सब कुछ सेम इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, यहाँ पे देखिए डी नीचे दिया गया है, डी मीन्स डायमीटर, ठीक है। उसके बाद में आई जो दिया है ये फ्लूट लेंथ है, कटिंग लेंथ बोलते हैं उसको हम लोग, CL बोलते हैं ये है। और L जो दिया है ये ओवरऑल लेंथ होती है, लेंथ टूल की। और यस जो दिया है वो टूल का शैंक होता है, वो कितना mm का हो। कोई कोई टूल क्या होते हैं ना, नीचे 2 mm होते हैं और ऊपर 6 mm होते हैं, इसकी वजह से डायमीटर और शैंक की साइज़ जो है वो अलग डिफरेंट दी जाती है। उसके बाद में राइट साइड में हम लोग देखेंगे ये एंड मिल है, एंड मिल भी, लेकिन एंड मिल है ये स्ट्रेट फ्लूट एंड मिल है। इसकी जो टीथ होते हैं वो सीधे स्ट्रेट होते हैं नीचे तक, तो ये भी यही काम करते हैं जैसे ये स्पायरल वाले टूल करते हैं, ऐसे वाले ये एंड मिल काम करते हैं। लेकिन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये टूल कौन सा मटेरियल कटिंग करते हैं उसके बारे में हम लोग पहले देखते हैं। तो ये जो मटेरियल है ये वुड का है, ये जो एंड मिल है ये वुड कटिंग करने का काम करता है, ठीक है। वुड कटिंग में वुड भी जो भी ज्वाली कटनी है वो कटिंग करने का काम करता है। उसके बाद में MDF को भी कट करता है, MDF को भी इजी तरीके से कट कर देता है। उसके बाद में ये आता है पार्टिकल बोर्ड, कुछ पार्टिकल बोर्ड प्लेन वाले आते हैं, जो ये वाला है ये प्लेन वाला पार्टिकल बोर्ड है, ये लैमिनेशन वाला पार्टिकल बोर्ड है। तो ये लैमिनेशन वाला पार्टिकल बोर्ड कटिंग करने के टाइम में दोनों साइड में देखो ये टॉप एजेस ये बॉटम एजेस हैं, तो ये कटिंग करने के टाइम में अगर हम लोग स्पायरल टूल का इस्तेमाल करते हैं, जो 2 फ्लूट वाला स्पायरल अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये नीचे चिपिंग करता है, इसके लिए स्ट्रेट फ्लूट वाला टूल इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेट वाला मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे स्ट्रेट वाला अगर जाते हैं, ये वाला स्ट्रेट वाला जो है ये इस्तेमाल किया जाता है पार्टिकल बोर्ड कटिंग करने के लिए। ये बोर्ड कटिंग करने के लिए ये टूल ज़्यादा करके इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये लैमिनेशन होता है बहुत साइड, इसकी चिपिंग नहीं आना चाहिए, वो ख़राब होना नहीं चाहिए, इसकी वजह से ये बोर्ड कटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में प्लाईवुड कटिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो भी हम लोग प्लाईवुड होते हैं, प्लाईवुड में जाली कटिंग करते हैं, जो 2D प्रोफाइल होती है, एरिया क्लीनिंग होती है, सब ये
एंड मिल से किया जाता है। उसके बाद में आता है सिंगल फ्रूट एंड मिल। अभी सिंगल फ्रूट एंड मिल क्या कटिंग करता है, सिंगल फ्रूट एंड मिल को देखिए, सिर्फ एक ही टीथ होता है, ठीक है। अभी इसमें दो तरह के टूल होते हैं, एक डाउन कट, ए अपर कट, ठीक है। ये जो है डाउन कट वाला है, ठीक है। मोस्टली हम लोग डाउन कट ही इस्तेमाल करते हैं, अपर कट इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि बहुत लोग जब भी सिंगल फ्लूट खरीदते हैं तो पता ही नहीं होता किसी को कौन सा टूल है, क्या टूल है, सिर्फ लेना है और कटिंग करते हैं। लेकिन मैं आज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इसके बारे में कि ये एक्चुअल में काम क्या करता है। ये जो सिंगल फ्रूट एंड मिल है, ये सिंगल फ्रूट एंड मिल कौन से मटेरियल के लिए चलता है और ये कौन से साइज़ में अवेलेबल है। ये जो होता है सिंगल फ्रूट का, आपको 2 mm से लेकर आपको 12 mm तक मिल जाएगा। लेकिन मोस्टली हम लोग मार्केट में 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm यहाँ तक इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा करके 12 mm की तो ज़रूरत नहीं पड़ती नॉर्मली, ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी इसके ऊपर हम लोग मटेरियल कौन सा कटिंग कर सकते हैं ये हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले ये होते हैं ACP सीट, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट पैनल। तो ये कंपोजिट पैनल बिल्डिंग को लगाते हैं बाहर से, ठीक है। कोई साइन बोर्ड लगते हैं, दुकान के बोर्ड बनाते हैं, उसके काम के लिए कंपोजिट बोर्ड होते हैं, ACP बोर्ड। ये कटिंग करने के लिए सिंगल फ्लूट टूल का इस्तेमाल किया जाता है। सिंगल फ्लूट टूल से अगर ये कटिंग करते हैं अच्छी फिनिशिंग मिलती है, अगर हम लोग टू फ्लूट से कटिंग करते तो फिनिशिंग अच्छी नहीं मिलेंगी। इसके लिए सिंगल फ्लूट का कटिंग करना ही बहुत बढ़िया रहता है। उसके बाद में ये आता है WBC सीट। अभी ये WBC सीट क्या होता है, ये PVC टाइप का सीट होता है, PVC टाइप का सीट होता है। इसका जो बाहर कचरा निकलता है, तो अगर हम लोग स्पायरल से कटिंग करते हैं तो ये भी थोड़ी सी ब्लर देता है, दोनों साइड से थोड़ी सी चिपिंग करता है टॉप और बॉटम में, और कचरा जो है वो अंदर ही फंसा रहता है। अगर हम लोग सिंगल फ्लूट का टूल अगर इस्तेमाल करते हैं, सिंगल फ्लूट वाला, तो सिंगल फ्लूट वाला टूल जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो जो यहाँ से जो है उसका कटिंग फ्लो है, यहाँ से वो कचरा बाहर निकाल देता है। तो ये हो गया ACP कंपोजिट सीट, उसको बोला जाता है, और ये WBC हो गया। उसके अलावा ये टूल जो सिंगल फ्रूट वाला, वुड भी काट सकता है, एक्रोलिक भी कटिंग कर सकता है। हम लोग तो जब भी हम लोग काम करते थे दुबई में, तो हम लोग ये जो एक्रोलिक सीट है, 25-25 mm का एक्रोलिक सीट हम लोग सिंगल फ्रूट टूल से काटते थे, तो एक्रोलिक भी उससे अच्छी तरह से कट जाता है, और उसके बाद में MDF बोर्ड भी उससे कट जाता है। ये होता है सिंगल फ्रूट टूल का काम। सिंगल फ्रूट मोस्टली हम लोग ACP कटिंग और WBC कटिंग के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो एकदम बढ़िया रहता है। उससे वुड भी कट सकता है, उसके बाद में उससे एरिया भी क्लीन हो सकती है, उसके कोई दिक्कत नहीं है। एक्रोलिक भी कट सकता है, MDF बोर्ड भी काट सकते हैं हम लोग। उसके बाद में हम आते हैं बॉलनस पे। अभी ये बॉलनस क्या काम के लिए आता है, बॉलनस मोस्टली हम लोग करते हैं 3D फिनिशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी बॉलनस किस तरह सा बॉलनस होता है हम लोग देखो, यहाँ पे ये से मतलब शांक है, नीचे डायामीटर है, और यहाँ पे जो R दिया है, R मतलब रिड्यूस। अगर ये 6 mm का टूल है, 6 mm का टूल है, यहाँ पे अगर रिड्यूस किया गया है तो यहाँ पे 3 mm का रिड्यूस होगा, 3 + 3 = 6 हो जाएगा। और ये जो I दिया है, ये जो कटिंग लेंथ है, और L जो है वो ओवरऑल लेंथ है। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं, इसको ब्लैक कोटिंग है और ये डायरेक्टली वाइट है, मतलब ब्लैक कोटिंग मतलब कार्बाइड किया जाता है उसको। दोनों में इतना कुछ फ़र्क नहीं होता है, जो ब्लैक वाला होता है उसकी थोड़ी सी हार्डनेस ज़्यादा होती है और प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है। और ये जो बॉलनस होता है नॉर्मल, ये भी कटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी इससे हम लोग कौन से डिज़ाइन काट सकते हैं, तो इससे हम लोग देखिए, इस तरह के जो 3D कार्विंग डिज़ाइन है, इस तरह के 3D कार्विंग डिज़ाइन हम लोग उससे निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग वुड में भी कार्विंग कर सकते हैं, WBC में भी कार्विंग कर सकते हैं, उसके बाद में हम लोग चाहे तो एक्रोलिक में भी कार्विंग हो सकता है, उसके बाद में आप MDF बोर्ड में कार्विंग कर सकते हैं। पार्टिकल बोर्ड में कार्विंग करने का सवाल नहीं आता, क्योंकि उसकी चिपिंग बहुत उठती है, तो पार्टिकल बोर्ड में कार्विंग अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन मोस्टली वुड, MDF और अदर मटेरियल के लिए, ये प्लास्टिक मटेरियल के लिए ये जो टूल है बॉलनस, तो ये इस्तेमाल किया जाता है। ये बॉलनस, ये भी अलग अलग फ्लूट में आता है। ये वाला जो हम लोग दिखा रहे हैं अभी स्क्रीन पे, ये है 2 फ्लूट वाला, इसमें 4 फ्लूट वाला भी आता है, लेकिन मोस्टली लोग 2 फ्लूट वाला जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह का 3D डिज़ाइन जो फिनिशिंग होता है उसके काम में ये टूल आ जाता है। उसके बाद में हम लोग आते हैं टेपर्ड बॉलनस पे। एक्चुअल में टेपर्ड बॉलनस और बॉलनस दोनों सेम ही काम करता है, ठीक है। लेकिन टेपर्ड बॉलनस क्या होता है, ये देखिए, टेपर्ड बॉलनस में ये आपको दिखा देता हूँ। अगर राइट साइड में आप लोग देखेंगे, टेपर्ड बॉलनस का जो शांक है वो 6 mm है, और उसका जो रिड्यूस है, मतलब नीचे का ये जो पार्ट है, ये 3 mm का है, तो इसका रिड्यूस हो गया 1.5 का।
मतलब आधा रेडियस 1.5 का हो गया, और इसका कटिंग लेंथ है 30.5 mm, कटिंग लेंथ है ओवरऑल लेंथ 75 है। आपको जो साइज़ में चाहिए वो साइज़ में मार्केट में मिल जाती है, मतलब 75 mm ओवरऑल हाइट मिलेगी या 50 mm ओवरऑल हाइट मिलेगी, 100 मिलेगी, 120 मिल सकती है आपको। तो ये टूल R1 का टूल है, यहाँ पे R2 का भी मिलता है, R1.5 का भी मिलता है, R0.5 का भी टूल इसके अंदर मिलता है। अभी ये टूल क्या काम करता है, ये टूल भी बॉलनस जैसा ही काम करता है, सिर्फ इसको टेपर्ड है। तो अगर हम लोग देखते आगे तो ये जो फाइन फिनिशिंग का काम होता है इस तरह का, ये वाला जो 3D कार्बन होती है फाइन फिनिशिंग, एकदम डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। तो ये टूल जो है टेपर्ड बॉलनस ये जो टूल है ये उसके अंदर काम करेगा। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए छोटी सी डिज़ाइन कर्व है, अगर यहाँ पे अगर 6 mm का बॉलनस अगर वर्क करेगा तो अंदर नहीं जाएगा, लेकिन ये टेपर्ड बॉलनस काम करेगा तो उसके अंदर जाएगा, तो फिनिशिंग एकदम फाइन फिनिशिंग आएगी उसके अंदर। तो इसलिए टेपर्ड बॉलनस हम लोग फाइन फिनिशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमारी 3D डिज़ाइन की डेप्थ ज़्यादा है उसके लिए भी टेपर्ड बॉलनस अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा फिनिशिंग हमें मिलता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप प्रोग्राम कैसे बनाते हैं और उसकी जो डेप्थ होती है डिज़ाइन की उसके ऊपर भी ये सब डिपेंड होता है। उसके बाद में हम लोग आते हैं फाइबर ग्लास कटिंग टूल। तो ये फाइबर ग्लास कटिंग टूल जो होता है, इसको छोटे छोटे दांत होते हैं, टीथ होते हैं चारों साइड से, बहुत सारे टीथ होते हैं, तो ये एंड मिल जैसा ही दिखता है लगभग दिखने के लिए, लेकिन इसको है ना छोटे छोटे से दांत होते हैं। तो एक्चुअल में ये फाइबर ग्लास कटिंग टूल जो है ये काम क्या करता है और कौन सी जगह पे काम आता है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो है ये फाइबर ग्लास शीट जो होती है उसको कटिंग करने का काम करता है। तो ये फाइन फिनिशिंग कटिंग आता है, दोनों साइड से चिपिंग नहीं होता, कुछ नहीं होता, अच्छी तरह से कटिंग करता है। उसके बाद में ये सीमेंट बोर्ड कटिंग करने के लिए बहुत अच्छा टूल है, सीमेंट जो सीमेंट शीट बोर्ड होते हैं वो कटिंग करने के लिए नंबर 1 टूल है। आप अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो सीमेंट शीट आराम से वो कटिंग कर सकता है, चिपिंग भी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, एकदम फाइनली कटिंग करेगा। उसके बाद में आता है फेनोलिक सीट। बहुत लोगों को पता नहीं होगा फेनोलिक सीट क्या होती है। ये फेनोलिक सीट फाइबर टाइप सीट होती है, एकदम ली हार्ड होती है, मेटल से मतलब मेटल से कम ज़्यादा हार्ड होती है, लेकिन इतनी हार्ड होती है अगर आपने नॉर्मल टूल इसके ऊपर चला दिया है तो नॉर्मल टूल का जो शार्पनेस है वो धार है वो तुरंत ख़त्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, बहुत लोगों ने ये सीट जो फिनोलिक सीट है ये सीट बहुत लोगों ने देखी भी होगी, लेकिन किसी को पता नहीं है ये कहाँ पे इस्तेमाल करती है। तो मैं दिखा देता हूँ इसका फ़ोटो, ये कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। आप कभी मॉल में गए होंगे, सिनेमा थिएटर में गए होंगे या एयरपोर्ट पे गए होंगे, तो यहाँ वहाँ पे ऐसे टॉयलेट का इस्तेमाल किया जाता है जो होते हैं पार्टीशन टॉयलेट उनको बोलते हैं, उनको जो सीट लगी जाती है ये फिनोलिक सीट लगी जाती है। ये वाटरप्रूफ होती है, इनको पानी में कितना भी भिगाओ कुछ भी करो इस कुछ ख़राब नहीं होती। ये प्लास्टिक से भी ज़्यादा हार्ड होती है, लेकिन हेवी भी होती है उठाने के लिए, लेकिन एक नंबर क्वालिटी की सीट होती है। ऐसी सीट कटिंग करने के लिए ये जो फाइबर ग्लास कटिंग टूल है इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में हम लोग आते हैं वी बिट CNC टूल पे। वी बिट CNC टूल, वी बिट को सबको पता है और वी बिट कार्विंग क्या होती है वो भी सब लोगों को पता है। वी बिट के बारे में बता देता हूँ, ये जो वी बिट है ये वी बिट का साइज है 90 डिग्री 32 mm मेरे हिसाब से, ठीक है, और ये 25 mm होगा, ये भी 90 डिग्री है। उसके बाद में ये होगा 150 डिग्री नहीं तो 110 डिग्री का होगा, मतलब ये क्या ना डिग्री कम किया ज़्यादा है, यहाँ पे डिग्री ज़्यादा है, यहाँ पे भी डिग्री ज़्यादा है। तो ये जो वी बिट कार्विंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं उसके फ़ोटो भी दिखा देता हूँ, इस टाइप की जो कार्विन होती है वी बिट कार्विन, तो ऐसे कार्विन के लिए ये वी बिट जो टूल है इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इनकी इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, आप अगर हमारे चैनल पे जाके देखना चाहते हो तो वी बिट कार्विंग कैसे की जाती है वो देख सकते हैं, और एक वीडियो भी उसके ऊपर देख सकते हैं कि कैसे बनाते हैं और वी बिट कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में आता है कस्टम टूल, ये होता है इनसाइड कर्व टूल। अभी ये कस्टम टूल जो होता है ये इनसाइड कर्व टूल होता है, और इससे हम लोग क्या काम कर सकते हैं, ये देखिए ये जो टूल होता है मैक्सिमम इसका जो डाया होता है मिनिमम डाया आप 12 mm से लेकर आप 25 mm तक ये डाया होता है। तो इसको है ना इनसाइड कट किया जाता है, तो इसका शैंक 6 mm का होता है। और ये टूल कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जो कस्टम 3D होती है, इस तरह का मैं पिक्चर जो आपको दिखा रहा हूँ कस्टम 3D का, तो इस काम के लिए वो टूल इस्तेमाल किया जाता है। और ये प्रोग्रामिंग बनती है अलोंग वेक्टर पे,
क्योंकि हमें क्या करना है, डिज़ाइन के आउटर में सिर्फ हमें वेक्टर क्रिएट करना पड़ता है, और अलग वेक्टर पे एक डेप दे के, मतलब 10 mm डेप्थ या 9 mm डेप्थ, टूल के हिसाब से कितनी डेप्थ दे सकते हैं उतनी डेप्थ दे के हम लोग कार्विन कर सकते हैं उसके ऊपर। कार्विन करने के टाइम में वो क्या करेगा, सिर्फ वेक्टर के ऊपर चलेगा, बाकी कुछ भी नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली आपकी डिज़ाइन क्रिएट होती जाएगी। लेकिन इसमें जब भी इसकी प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं तो हमें पहले 2D लाइन क्रिएट कर लेना पड़ता है, और 2D लाइन क्रिएट करने के बाद ये अलोंग वेक्टर पे प्रोग्रामिंग बनानी पड़ती है। मतलब 2D 2D जो होता है, 2D प्रोग्रामिंग ही की जाती है उसके लिए, लेकिन अलोंग वेक्टर पे की जाती है। ये बहुत मज़ेसर काम है, अगर इसको हम लोग चाहेंगे तो 2.5 भी बोल सकते हैं। एक तो ये 2D वर्क भी नहीं आता, उसके बाद में 3D भी नहीं आता, और ये लुक 3D दिखता है, काम 2D बट लुक में दिखता है 3D। लेकिन ये काम को अगर हम लोग बोलने के लिए जाएंगे तो इसको 2.5 ये भी बोल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको जो टूल के बारे में, मैंने सब टूल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको समझ में आ गई होगी, कौन सा टूल कहाँ पे इस्तेमाल करना है और कौन सी जगह पे करना है। अभी तक आपको टूल के बारे में कुछ समझ में नहीं आया कि कौन सा टूल कहाँ पे इस्तेमाल करना है, तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉमेंट्स कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे। और ये जो सारे जो टूल है, ये सारे जो टूल है ये आर्ट कैम में कैसे ऐड करने का वो भी हम आपको बता देंगे। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाए कि ये सब सारे टूल जो है आर्ट कैम में कैसे ऐड किए जाते हैं और आर्ट कैम में कैसे वर्क किया जाता है, ये सब हमने उसके अंदर बता दिया है। आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।